एलियंस एलियंस और एलियंस, आज तक एरिया 51 के अंदर सिर्फ एलियंस माने गए कि उसमें एलियंस हैं, मिलिट्री एलियंस का काम कर रही है। पर जिन्हें आप लोगों ने यूएफओ समझा वो कुछ और ही चीज़ें थी, और जिन्हें हम एलियंस समझ रहे थे वो असल में शायद कुछ और था। आज हम इस वीडियो में उस तह तक जाएंगे और पता करेंगे कि वो सच में एलियंस थे या कुछ और। वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, सो लेट्स एनालाइज इट। एलियन वर्ड पहली बार कानों में 1902 में आई फ्रेंच फिल्म ले वोयाज दांस दे लून में पड़ा, और ले वोयाज दांस दे लून वर्ल्ड की पहली साईफाई फिल्म थी। फिर 1947 में रिजल्ट में एक स्पेसशिप क्रैश हुआ, जैसा कि सबको पता है, पर कोई ये नहीं जानता कि वो स्पेसशिप नहीं एक वेदर बलून था। हाँ, वो असल में एक वेदर बलून था, क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए थे वो कागज़, पेपर, लकड़ी, स्टिक और कुछ टिन फॉइल्स और रबर थी। अब इंटरगैलेक्टिक और स्पेस ट्रेवल में कागज़, लकड़ी और रबर का कौन यूज़ करता है? और ये रिपोर्ट यूएस गवर्नमेंट ने दी थी। हालांकि कई लोगों को लगेगा, कई लोग सहमत नहीं होंगे मुझसे, बट जो न्यूज़ रिपोर्ट ने कहा था उसके अकॉर्डिंग ये था। बट जो उस दिन का डेली अखबार आया था इसमें लिखा था रैफ कैप्चर्ड अ स्पेसशिप अ यूएफओ, वो आपको दिखा रखा है मैंने। फिर कई लोगों ने यूएफओ स्पॉट करने शुरू कर दिए, पर वो यूएफओ नहीं थे। मैंने भी कई वीडियोस देखी, पर किसी ने भी यूट्यूबर ने भी U2 स्टेल्थ प्लेन का नाम भी नहीं लिया। असल में जो यूएफओ उन्होंने स्पॉट किए थे वो U2 स्टेल्थ प्लेन थे। वो सोवियत रशिया पर, USSR पर नज़र रखने के लिए बनाए गए थे। USSR बटने से पहले 1955 में उस प्लेन को तैयार किया गया था ताकि वो उस पर नज़र रख सके। उसे ड्रैगन लेडी कहते थे। उसका 93% पार्ट टाइटेनियम से बना हुआ था, और उस टाइम तक टाइटेनियम दुनिया की सबसे मजबूत धातु थी। उस टाइम तक कार्बन फाइबर का निर्माण नहीं हुआ था, और इस प्लेन की जो शेप थी बाकी प्लेन से बहुत अलग अलग थी और बहुत अजीब थी। ये प्लस शेप का एक प्लेन था, इसलिए लोगों ने इसे यूएफओ समझ लिया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और प्लेन्स का, जैसे कि ये और ये प्लेन्स स्टेल्थ प्लेन है, और इनकी शेप बाकी प्लेन से बहुत अलग थी। इन यू2 को इन इन्हीं प्लेन्स ने रिप्लेस करा था, क्योंकि यू2 प्लेन 93% टाइटेनियम से बना हुआ था, इसलिए चमकता था। स्ट्रेट लाइट की रोशनी, मतलब सूरज की रोशनी पड़ने पर ये चमकता था, इसलिए लोगों ने कई बार यूट्यूब प्लेन को ही यूएफओ समझ के स्पॉट कर लिया। और अब आते हैं हम नेवाडा पर। नेवाडा है जहाँ पर एरिया 51 है और एरिया 52 भी है। ये दो मिलिट्री बेसिस हैं और इनकी फ़ोटो गूगल पे दिखाई नहीं जाती क्योंकि ये सीक्रेट हैं। और दूसरी बात ये है कि 1955 में ही, जब यूट्यूब स्टेल्थ प्लेन का डेवलपमेंट चल रहा था, मतलब डेवलप किया गया यूट्यूब स्टेल्थ प्लेन को, तब वहाँ पर ही, मतलब जो नेवाडा है, नेवाडा में एरिया 51 का इनाग्रेशन हुआ था। तो एरिया 51 को पहले बनाया गया, फिर यूट्यूब स्टेल्थ प्लेन को डेवलप किया गया 1955 में। कुछ लोग मानेंगे कि 1947 में जो डिजल में क्रैश हुआ था, जो क्रैश हुआ था, हो सकता है कि प्लेन उससे उसके मटेरियल से, उसको जो यूएफओ है उससे क्रैश, उसको एनालिसिस करके बनाया गया हो। ये पॉसिबिलिटी है, मैं झुटलाता नहीं हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जो यूएफओ क्रैश हुआ था वो यूएफओ यूएफओ नहीं था, वो वेदर बलून था, और उस टाइम तक यूएस गवर्नमेंट एक स्टेल्थ प्लेन को डेवलप कर रही थी, और मेरी कोइंसिडेंस की वजह से वो वेदर बलून वहाँ पे क्रैश हुआ और लोगों ने मान लिया कि यूएफओ है। कंक्लूजन तो भैया ये है कि मैंने इस वीडियो में वो छुपे हुए तथ्य बाहर निकाले हैं जो किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताए। हो सकता है कि वहाँ पर एलियंस हो, पर वो हर प्लेन जो ऊपर दिखता है आसमान में, पॉसिबल नहीं है कि वो यूएफओ ही हो। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे जब कमेंट आते हैं ना तो वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। और थैंक यू फॉर 4 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।